कैसे करें डॉट कॉम से मैं हूं गोगी और आपकी यहां पर हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको जानकारी देने वाले हैं कि कैसे जो वो आप लोग आसानी से ठीक कर सकते हैं अपने लैपटॉप के माउस टचपैड को। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माउस टचपैड जो वो वर्क करना छोड़ देते हैं, चाहे वजह हो हम बैकपैक में डाल के उसको कहीं पर दौड़ गए हैं, या फिर जब वो हैवी ट्रैफिक में उसको हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर जो आपको बम्पिंग रोड है वहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लैपटॉप हल्का गिर जाने की वजह से हो सकती है, कई सारी कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से आपका माउस टचपैड वर्क करना बंद कर देता है। तो आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और सीख लीजिए कि आप जो उसको सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर जब हम आपको बता दें कि आपको सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि आपको अपने लैपटॉप के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको खोल सकते हैं, वापस जब वो सेटअप कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो आपको जो वो किसी ऐसे बंदे से, ऐसे इंजीनियर से कांटेक्ट करना होगा जो इन चीज़ों को ठीक करता है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो वो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो आपको होता है कि आप अपने माय कंप्यूटर या कंप्यूटर के ऑप्शन पे जा करके जो है वो आपको मैनेज पे क्लिक कर देना है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। और मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको जो वो ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, वहाँ से आपको चूज़ करना है डिवाइसेस, और वहाँ पर आपको माइस और आपको जो पॉइंटर टूल्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर जो वो आप क्लिक कर दीजिए। और वहाँ पर देखिए आपको जो वो सिनेपैटिक जो है वो आपको सॉफ्टवेयर या ड्राइवर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो इंस्टॉल किया हुआ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है तो भी जो वो आपका माउस कीपैड वर्क करना बंद कर देगा। अदरवाइज़ जो वो आपको करना क्या है कि जो पाम रेस्ट है उसको पूरे को चेंज करना होगा, या फिर जो वो आप जैसे ही अंदर घुस के देखेंगे, जो आपको मैं टच पैड दिखा रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पर एक केबल लगी होती है, कई बार जो वो हल्की ढीली हो जाती है या निकल जाती है, तो उसकी वजह से जो ऐसा हो सकता है। तो आप जो वो सारी इन चीज़ों को जो वो चेक कर लीजिए कि आपकी जो माउस टच पैड है वो बिल्कुल सही से लगी हुई है यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो वो आपकी सॉफ्टवेयर जो वो ड्राइवर्स जो वो सारे अच्छे से इंस्टॉल्ड है, उसके बाद जो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ आपको पूरा पाम रेस्ट जो है वो जहाँ पर कीबोर्ड लगा होता है उस पूरे सेटअप को चेंज करवाना होगा, उसकी बॉडी को चेंज करवाना होगा, उसके साथ आपको नया जो है वो टच पैड मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग जान पाए कि कैसे जो अगर आपका लैपटॉप का माउस टच पैड ने वर्क करना बंद कर दिया तो आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी तो ज़रूर दबा लीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको फ्री में हमेशा मिलती रहे। बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।